नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, सचिन द वर्ल्ड्स वीलॉग में। तो आज मैं अपने ससुराल में, टाटा नगर जमशेदपुर में। तो आज हमारे चाचा ससुर यानी कि दिव्या के चाचा जी, वो मुझे लेके जा रहे हैं सरायकेला मटन खिलाने के लिए। बोलते बहुत फेमस जगह है मटन खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं आपको कि कैसा है वहाँ का मटन। देखिए नंदा तो ये नहीं खाता देखिए नहीं, मेरा मतलब चाचा जैसा जी, जीजा वैसा साला। अरे अरे वो बोल रहे हैं। चाचा जी आ गए हैं ले जाने के लिए हमको, और साथ चलिए में है गोलू। तो हम पहुंच गए हैं सरायकेला। सरायकेला मेरे ससुराल घमरिया से 25 किलोमीटर दूर है, और ये है सरायकेला की गलियां। आगे आपको दिखाते हैं सरायकेला का वो शॉप जहाँ फेमस सरायकेला लड्डू बिकता है। जमीन का लगता है सर, सरायकेला आ गया तो। हाँ वो है, तो ये है सरायकेला का स्पेशल लड्डू यहाँ हमारा। पर आप देख तो सकते हैं, मुझे ये है सरस्वती मिष्ठान भंडार, जहाँ पर सरायकेला का फेमस बेसन का लड्डू बिकता है, जो बहुत फेमस है, बहुत ही टेस्टी होता है। एयरपोर्ट पहले यही था, अभी उधर गया, फिर आ रहा है बिल्डिंग उसके ही वाला। अच्छा सामने है ये। और ये सामने सीधा आप देख सकते हैं सरायकेला राजा का पैलेस। ये देखिए सफ़ेद सा जो दिख रहा है, ये सरायकेला राजा का पैलेस है। और उस पैलेस से बाजू में ही वो होटल है जहाँ पर हम मटन भात या भुजी भात खाने आए हैं। अच्छा तो हम लोग आ गए हैं सरायकेला होटल सम्राट। देखिए बहुत ही पुराना होटल है आप देख सकते हैं, लेकिन सुना है बहुत अच्छा खाना देता है। तो ये देखिए पत्तल लग गए हैं खाना परोसने के लिए। क्या दिया है? चटनी, टमाटर की चटनी। दोस्तों हम लोग आ गए हैं होटल सम्राट। यहाँ पर कुछ भोज थाली मिलता है जो फेमस है यहाँ का, और द बेस्ट थिंग इज़ कि ये लोग पत्तल पत्तल में देते, पत्ते का जो प्लेट होता है उसमें देते हैं खाना। तो ये आ गया राइस। और ये आ गया दाल। खाएगा साग दादा? लाल साग? लाल नहीं, लाल साग नहीं, कोसला साग। आओ फिर एक सब्जी। और ये आ गया सबसे स्पेशल चीज जिसके लिए यहाँ पर हम आए हैं, जिस पर मटन खाते हैं। अब देखते हैं कैसा है टेस्ट। अच्छा
तो दोस्तों हमने खाना खा लिया वहाँ पर, ऑथेंटिक उड़िया भोज, मतलब उड़िया शादी में जो खाना होता है वो ऑथेंटिक खाना इस होटल में मिलता है, और बहुत ही पुराना होटल लग रहा है, अच्छा था खाना। तो आप कभी अगर सरायकेला या फिर टाटा नगर आते हैं तो इस तरफ ज़रूर आइए। ये है सरायकेला राजा फैमिली का बाड़ी, यानी कि महल, पुराना है। सामने जा रहे चाचा, ये देखिए, ये दरबार लगता था, ये दरबार लगता था, ये जो सामने देख सकते हैं यहाँ पर राजा का दरबार लगता था। ये है सरायकेला राजा का महल। ये है माँ पावड़ी का मंदिर। लड़का आदित्य पटेल, ये यहीं पर कुत्ता छोड़ा हुआ, नहीं जाएंगे तो। तो आप सामने देख सकते हैं राजा साहब आदित्य प्रताप सिंह देव सरायकेला राजा, और ये है उनका महल, आप देख सकते हैं। राजा साहब ने हमको अपना महल दिखाया और वो पुरानी तस्वीरों के बारे में बताया जो उनके फैमिली से जुड़े हुए हैं। ये देखिए छऊ नृत्य, छऊ डांस जो होता है उसके मुखौटे, ये पुराने फोटो, ये देखिए। ये नाम का कंटिन्यूटी का कंफ्यूजन, नाम का तो नहीं रहता, नाम का आदित्य प्रताप सिंह, ये है महाराज प्रताप सिंह देव। अपन कर भी नाम आदित्य प्रताप सिंह, मन नाम प्रताप आदित्य, प्रताप अग्रे हुआ ना आदित्य, प्रताप आदित्य सिंह, प्रताप आदित्य अग्रे हुआ, ये नाम था। अच्छा, ये समस्या आदित्य प्रताप ने बोला, हां हां अपन चला ताको ना ये कौन सा गाड़ी है उस समय का। और ये देखिए जो छऊ डांस होते हैं उनके मुखौटे हैं। राजा साहब ने बताया कि उनकी फैमिली में 5-7 पद्मश्री अवार्ड अवार्डीज हैं। देखिए ये महाराजा आदित्य प्रताप सिंह देव मुखौटे को पेंट करते हुए, और इस तरफ, अच्छा तो यहाँ पर छऊ डांस की क्लास लगती है, तो जो लोग ट्रेनिंग लेने आते होंगे वो यहाँ पर सीखते हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं पावड़ी माता का मंदिर, जो इनकी कुल देवी का मंदिर है। राजा साहब ने पूरे अच्छे से हमको महल घुमाया और हर एक चीज़ के बारे में बताया कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब बारे बताते गए। तो हम लोग घर आ चुके हैं वापस, मटन भुजी भात खा के अच्छा था, और सरायकेला पैलेस घूमे सरायकेला राजा के साथ, अच्छा था आज का दिन। तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।